आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, अगर आपके पास NSDL पेमेंट्स बैंक अकाउंट है, अगर आप भी NSDL पेमेंट्स बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने अकाउंट का अगर आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, आप अपने अकाउंट से जो भी लेन देन करते हैं, आप पूरा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री उसका चेक करना चाहते हैं, आप उसका ट्रांजेक्शन पूरा निकालना चाहते हैं, तो आप स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं, आप पूरा स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं अपने मोबाइल से, आज के इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा और मैं आपको यहाँ पर लाइव अपना स्टेटमेंट निकाल के दिखाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने नंबर टाइप किया है, आपको इस नंबर को अपने मोबाइल में टाइप करना है और आपको इस नंबर पे कॉल करना है। यह NSDL पेमेंट्स बैंक के कस्टमर केयर का नंबर है, आपको इस नंबर पे कॉल करना है और आपको उसी सिम से कॉल करना है जिस सिम से आपने अपना NSDL पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन करवाया है, आपको उसी सिम से करना है, दूसरे सिम से कॉल नहीं करना है। और आपके सिम में रिचार्ज होना चाहिए, अगर आपके सिम में रिचार्ज नहीं होगा तो आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से इस नंबर पर कॉल कर लेता हूँ। खोए हुए कार्ड संबंध हमें सूचित करने, कार्ड अनब्लॉक करने या संदेहजनक लेन देन के बारे में हमें सूचित करने के लिए 0 दबाएं। आपके खाते में उपलब्ध शेष राशि जानने के लिए 1 दबाएं। पिछले 5 लेन देन का विवरण या ईमेल द्वारा कथन अनुरोध करने के लिए 2 दबाएं। अपने डेबिट कार्ड का ATM पिन उत्पन्न पिछले 2 महीने का बयान निवेदन करने के लिए 1 दबाएं। पिछले 5 लेन देन का विवरण जानने के लिए 2 दबाएं। प्लीज एंटर योर अकाउंट नंबर। आपके अनुरोध पर संसाधित किया गया है। आपके अपने दर्ज कराए ईमेल आईडी पर बैंक स्टेटमेंट प्राप्त होगी। धन्यवाद। तो आपको बैंक की तरफ से, NSDL पेमेंट्स बैंक की तरफ से आपको एक ईमेल रिसीव होगा और आपको यहाँ पे आपका जो अकाउंट का स्टेटमेंट है वो PDF के रूप में आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है। अगर मैं इस PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करता हूँ तो मेरा जो स्टेटमेंट है इसी के अंदर पूरा मिलेगा। तो आपको पहले इस PDF को डाउनलोड करना होगा और आपका जो PDF है वह पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। जब तक आप उसमें पासवर्ड इंटर नहीं करेंगे आप अपने PDF को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है कि आप कौन से फॉर्मेट में आपको पासवर्ड को इंटर करना है। चलिए मैं यहाँ पे अपना PDF ओपन कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं जैसे ही मेरा PDF ओपन होने वाला था मुझे यहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है। मेरा फाइल जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आपको यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है। जैसे मेरा नाम दीपक है तो मैं पहले अपने नाम का पहला 4 लेटर इंटर कर लेता हूँ, DEEP मैंने इंटर कर दिया। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी, तो आपको पहले 13 इंटर करना है और फरवरी जो महीना आता है उसका आपको स्पेलिंग इंटर करना है, तो FEB। पहले आपको 3 लेटर इंटर करना है महीना का। अगर आपका मार्च होगा तो आपको मार्च का स्पेलिंग इंटर करना है, मई होगा तो आपको मई का स्पेलिंग इंटर करना है। उसके बाद आपको ओपन पर क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं मेरा PDF यहाँ पे ओपन हो गया है। और जो भी लेन देन आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं आप पूरा चेक कर सकते हैं, आपको पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे शो करेगा। तो अगर आप भी NSDL पेमेंट्स बैंक का अगर अकाउंट यूज कर रहे हैं, आप अपना स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं घर बैठे मोबाइल से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।